Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good, you all are fine, you all are safe. और आज का वीडियो जो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है. मेरी प्रीवियस वीडियो में एक सजेशन था कि मुझे लागोस में जो स्कूल फ़ी है और एडमिशन प्रोसेस है उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया, इसीलिए मैं थोड़ा लेट हो गई इस वीडियो को बनाने के लिए, सॉरी फॉर दैट. और अभी मैंने रिसर्च किया है इंडियन स्कूल एंड ब्रिटिश स्कूल, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स हैं और मोस्टली जो इंडिया से लोग आते हैं वो कोशिश करते हैं कि उनका एडमिशन इंडियन स्कूल में हो जाए. तो यहाँ पे दो ही इंडियन स्कूल हैं, एक है इंडियन लैंग्वेज स्कूल जो कि इलुपीजू में है, वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक है, और एक यहाँ पे VI में विक्टोरिया आइलैंड में स्कूल है जो कि 5th स्टैंडर्ड तक है. तो मैं इन दोनों का फी स्ट्रक्चर और एडमिशन प्रोसेस आपको बता दूंगी. तो यहाँ पे ब्रिटिश स्कूल्स हैं बहुत सारे और अमेरिकन स्कूल भी हैं, और इनकी जो फीस है एज़ कम्पेयर टू CBSE एफिलेटेड स्कूल के कंपेरिजन जो यहाँ पे फीस है वो ज़्यादा है. तो यहाँ पे मोस्टली कंपनीज जो हैं वो स्कूल फीस भी देती हैं. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बच्चे को ब्रिटिश स्कूल में डालना है या CBSE से ही कंटिन्यू करना है. इंडियन स्कूल है वो VI से काफ़ी दूर है, 35 किलोमीटर दूर है, तो मैंने अपनी बेटी को यहाँ ब्रिटिश स्कूल में ही डाल दिया है. और यहाँ की जो फीस है ब्रिटिश स्कूल की वो काफ़ी हाई है, तो मैं आपको ब्रिटिश स्कूल प्लस इंडियन स्कूल दोनों की ही फीस स्ट्रक्चर और एडमिशन प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में बता दूंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं IELTS की बात करूंगी इंडियन लैंग्वेज स्कूल की. तो यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट में फीस जो है वो सबमिट होती है, तो आप फुल इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हो एक ही बार में, लेकिन अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट में प्रेफर कर रहे हो तो मैं इन सब के बारे में आपको बता देती हूँ. तो ये जो फीस स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ वो है न्यू एडमिशन के हिसाब से. और जब भी आप यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करनी पड़ती है जो कि है 60,000 नायरा, और एडमिशन फ़ीस है वो है 75,000 नायरा, और जो डेवलपमेंट फीस है वो है 1 लाख. और ये अलग है एज़ कम्पेयर टू जो मैं आपको अभी जो फी स्ट्रक्चर बताऊंगी क्लास वाइज, वो इससे अलग है. ये आपको सेपरेट पे करना पड़ेगा, और जो क्लास वाइज आपकी फ़ीस है वो आपको सेपरेटली देनी पड़ेगी. तो अगर आपका बच्चा KG से 5th क्लास तक में पढ़ता है तो जो फुल इंस्टॉलमेंट है यहाँ का वो है 3,14,000, और अगर आपको इसको इंस्टॉलमेंट में देना है तो जो फर्स्ट टाइम है वो है 2 लाख, एंड जो सेकंड इंस्टॉलमेंट है वो है 1,14,000. तो अब मैं बात कर रही हूँ 6th स्टैंडर्ड से लेके 8th स्टैंडर्ड तक की, और जो इसका फुल इंस्टॉलमेंट है वो है 3,50,000, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसकी है 2,30,000, और सेकेंड टाइम आप पे करोगे इसकी 1,20,000. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा देना चाहते हो, और ये सारी की सारा फीस स्ट्रक्चर नायरा के अंदर है. और इसके बाद मैं बात कर रही हूँ क्लास 9th की और क्लास 10th की. तो जो इसकी फुल इंस्टॉलमेंट है वो है 4,40,000, और अगर मैं बात करूँ इसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की तो वो है 2,70,000, और सेकंड इंस्टॉलमेंट इसकी है 1,70,000. तो अब है इसका क्लास 11th टू क्लास 12th साइंस और कॉमर्स, इन दोनों की जो फीस है, तो जो फुल इंस्टॉलमेंट है इस क्लास की वो है 6,57,000, और फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसकी है 4 लाख, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट इसकी जो है वो है 2,57,000. तो ये ऑल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको पे करना चाहते हैं. तो अब मैं बात कर रही हूँ मैरीमॉन्ट स्कूल की, जो कि VI में है, छोटा स्कूल जो कि 5th स्टैंडर्ड तक है, CBSE से एफिलेटेड है, और इसकी जो फीस है ये भी इंस्टॉलमेंट में जाती है, और जो इसका रजिस्ट्रेशन फीस है वो है 10,000, और जो एडमिशन फ़ी है वो है 50,000, जिसको ये डेवलपमेंट फ़ीस भी बोलते हैं. और जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस को ये लेते हैं वो है 3,60,000, और बुक्स का जो फीस है वो है 45,000, और यूनिफॉर्म एंड ऑल इसका जो अमाउंट है वो रहता है 38,000, और इसके बाद स्टेशनरी है, बुक बैग है, ये नियर अबाउट 14,000-15,000 के अराउंड पड़ जाता है. जो टोटल आपको पेमेंट आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में करना है वो है 5,17,500, सो नियर अबाउट 5,20,000 के अराउंड आप समझ के चलो. और ये है मैरीमॉन्ट स्कूल की फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट आपको देनी है. तो अगर मैं बात करूँ मैरीमॉन्ट स्कूल की फुल फी स्ट्रक्चर की, तो ये नियर अबाउट हमें 8,00,000-9,00,000 तक पड़ जाती है, जो कि एज़ कम्पेयर टू IELTS की काफ़ी ज़्यादा है. तो अब मैं बात कर रही हूँ ब्रिटिश स्कूल की, जहाँ पर मेरी बेटी जाती है रिवर बैंक स्कूल में, और वहाँ की जो फीस है वो पर टर्म 4 लाख है, और जो फर्स्ट टर्म पर जो हमें फीस देनी पड़ती है वो थोड़ी ज़्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि इसमें बुक्स भी रहती हैं, यूनिफॉर्म भी होती है, और ट्यूशन फीस भी होती है. तो ये हमें नियर अबाउट पड़ जाती है 8,50,000 पर टर्म की.
फर्स्ट टर्म की आई कैन से, तो फर्स्ट टर्म की जो फीस हमें देनी पड़ती है वो है 8,50,000, जिसमें ट्यूशन फी इंक्लूड है। ट्यूशन फी जो है वो है 4 लाख, और बुक्स का जो प्राइस है वो है 1,10,000। डेवलपमेंट फीस ये लेते हैं 2,50,000, और अदर कैटेगरी जो है वो है 15-20,000 के नियर बाई। तो ये हमें टोटल अमाउंट पड़ जाता है 8,50,000 के अराउंड, जो हमें फर्स्ट टर्म में पे करना पड़ता है। और उसके बाद 2 टर्म और होते हैं, ये 3 टर्म में फीस लेते हैं। तो जो 2 टर्म है उसमें हमारी जो फीस जाती है वो है 4 लाख और 4 लाख। तो नियर अबाउट हमें ये 1.8 मिलियन के अराउंड ये जो फीस है यहाँ की पड़ जाती है। तो अगर हम बात करें, कंपेयर करें इसको IELTS, Marymount और ब्रिटिश स्कूल के, तो काफ़ी कंपनीज जो है पे कर देती हैं। अमेरिकन स्कूल की फ़ीस भी काफ़ी कंपनीज पे करती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी क्या पे कर रही है और आपको कहाँ अपने बच्चे को डालना है। तो ये तो था एडमिशन फीस का, और एडमिशन प्रोसेस का जो क्राइटेरिया है वो प्रीवियस क्लास का जो मार्कशीट्स होती है, और उसके बाद वो एक टेस्ट भी लेते हैं जिसमें वो बच्चे को जज करते हैं कि वो कहाँ तक उसकी नॉलेज है। और ये हर स्कूल में टेस्ट होता है प्रीवियस क्लास के अकॉर्डिंग, और आपको फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस आपको 10,000 फॉर्म का रहता है, आई थिंक वो पे करनी पड़ती है। और उसके बाद आपको टेस्ट के बाद आपका जो रिजल्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग आपको एडमिशन स्कूल वाले दे देते हैं। तो लगभग यहाँ पे एडमिशन हो ही जाता है, लेकिन ब्रिटिश स्कूल में थोड़ा सा यहाँ पे डाउटफुल रहता है क्योंकि सीट जो है वो फुल रहती हैं। तो आप जैसे ही यहाँ पे लैंड करते हैं तो आप फर्स्ट टू फर्स्ट जो काम आप करें वो यही है कि आप एक अपने एरिया के अकॉर्डिंग एक स्कूल सेलेक्ट कर लें कि मेरे नियर बाई ये स्कूल पढ़ता है और मुझे बच्चे को इस स्कूल में भेजना है। तो थोड़ा रिसर्च आप जब भी आएँ यहाँ से, इंडिया से यहाँ पे, तो आप थोड़ा रिसर्च करके आएँ कि कौन सा स्कूल बेस्ट है और आपको किस स्कूल में आपको अपने बच्चे को डालना है। और तो आप जहाँ रह रहे हैं मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि वहीं के स्कूल को आप ट्राई करें, और वहाँ पे आते ही आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। वो आपके बच्चे का टेस्ट लेंगे, रिटन एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद आपके बच्चे को वो एडमिशन जो है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप डिसाइड करके आए, बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर द जर्नी और बेस्ट ऑफ लक इन लागोस। और इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर इसके रिगार्डिंग आपको कुछ और क्वेरीज हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो थैंक यू सो मच, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू एंड टेक केयर।